हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गायत्री मेकओवर। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे वीएलसीसी का पर्ल फेशियल स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। तो ये हमारी फेशियल किट है वीएलसीसी की। इसके अंदर निकलते हैं 6 पैकेट और एक पैकेट के अंदर होता है हमारा एक फेशियल। और इस एक पैकेट के अंदर जो हमारे 5 स्टेप्स निकलते हैं, जो कि हम ये देखते हैं कि हम लोग फर्स्ट स्टेप पर कौन सा यूज़ करेंगे, सेकंड पर कौन सा। तो फर्स्ट पर हमारा जो है पर्ल लोशन है, और सेकंड पर हमारा है पर्ल पाउडर, और थर्ड पर हमारा पर्ल क्रीम, उसके बाद है हमारा पर्ल पैक, और फिर है फेशियल ऑयल, जो कि हम लोग लास्ट में जब हमारा फेशियल हो जाएगा उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने फेस को क्लीन कर लेंगे क्लींजिंग मिल्क से, या फिर किसी भी लोशन वगैरह से हम लोग क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम लोशन अप्लाई करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है पर्ल फेशियल का। फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छे से मसाज करेंगे, पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे सबसे पहले, और बालों में अपने जो है हेयर बैंड वगैरह लगा लेंगे, ताकि हमारे बाल जो है बार बार फेस पर ना आए और फेशियल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद हम लोग फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छे से पूरे फेस पर लगभग 5 मिनट के लिए हम लोग मसाज करेंगे फिंगर टिप्स की हेल्प से, और बहुत ही सॉफ्ट हाथ से मसाज करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं चलाना अपने हाथों को। और ध्यान रखेंगे जब हम फेशियल करते हैं तो अपने हाथों को जो है जो प्रेशर है हमारा वो ऊपर की तरफ होगा इस तरीके से, और पूरे फेस पर हम लिप्स का, जहाँ पे भी हमारी स्किन अनइवन वगैरह होती है या फिर डार्क सर्कल्स होते हैं, नोज़ के पास जो एरिया होता है वो ब्लैक होता है, तो अच्छे से बिल्कुल फिंगर टिप्स की हेल्प से पूरे फेस पर अच्छे से मसाज करेंगे, ताकि पूरा लोशन जो है हमारी स्किन के अंदर चला जाए और उसका पूरा फ़ायदा मिले। उसके बाद हम लोग उसे स्पंज की हेल्प से सिंपल वाटर से उसे साफ़ कर लेंगे, बहुत ज़्यादा रगड़ कर नहीं करेंगे, हल्के हल्के हाथों से उसे जो एक्स्ट्रा रह जाता है बस उसको निकाल देंगे। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे सेकंड स्टेप है, जो कि हमारा पर्ल पाउडर है। उस ये पाउडर फॉर्म में होता है, तो हम लोग इसे रोज़ वाटर में थोड़ा एक पेस्ट टाइप का बना लेंगे, जैसे हम लोग फेस पैक बनाते हैं। तो अगर ज़्यादा ऑयली स्किन है गर्मियों में, हम लोग इसे जो है ऑरेंज जो जूस होते हैं उसमें भी बना सकते हैं, और अगर हमारी ड्राई स्किन है तो हम इसे दूध में भी मिक्स करके बना सकते हैं। उसके बाद हम इसे पूरे फेस पर अप्लाई कर देंगे और लगभग 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारे फेस को जो है अच्छे से क्लीन कर देता है, डीप क्लींजिंग का काम करता है। और जब ये सूख जाए तो हल्का सा इसे गीला करके और फिंगर टिप्स की हेल्प से हल्के से 1 या 2 मिनट हम मसाज करेंगे, और फिर उसको साफ़ कर देंगे स्पंज से। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इस फेशियल का, मैं जो ब्राइड्स वगैरह होती हैं पार्लर में यूज़ करती हूँ। और उसके बाद हम लोग करेंगे अपना थर्ड स्टेप, जो कि हमारा वीएलसीसी का पर्ल क्रीम। पूरा क्रीम अपने फिंगर्स पर निकाल लेंगे अच्छे से और पूरे फेस पर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये क्रीम हमारा लगभग कम से कम 10 से 15 मिनट हम लोग इसकी मसाज करेंगे, जब तक ये क्रीम हमारे पूरे फेस के अंदर ना चली जाए, ताकि इसका अच्छे से पूरा फ़ायदा मिले हमें पूरी स्किन को, और हमारे जो स्किन जो है अच्छे से ग्लोइंग करे। पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग चेस्ट से इसके स्टेप्स शुरू करेंगे। जब हम मसाज शुरू करते हैं तो चेस्ट पूरे फेस पर क्रीम अप्लाई करने के बाद जो है चेस्ट से शुरू करेंगे, इस तरीके से राउंड राउंड में घुमाएंगे, स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, और इसके 2-3 तरह के स्टेप्स जो है राउंड राउंड में फिंगर्स घुमाते हुए, इस तरीके से अपनी गर्दन को भी कवर करते हुए। ध्यान बस ये रखना है कि हम जब स्टेप्स करते हैं तो स्टेप्स को बहुत ज़्यादा हार्ड ना करें और बहुत ज़्यादा स्पीडली ना करें। हम जब फेशियल स्टेप्स करते हैं तो हमारा ये होता है कि हमारा जो फेस का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो थोड़ा सा तेज़ हो जाए, बट इतना भी तेज़ ना हो कि हमारी स्किन रेड हो जाए या हमारी जो सेंसिटिव स्किन है उससे प्रॉब्लम हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे फिंगर की टिप्स की हेल्प से पूरे फेस पर मसाज करेंगे, अपर लिप्स वगैरह करेंगे, नोज़ के स्टेप्स करेंगे सारे इस तरीके से, और अपने अंडर आई जो डार्क सर्कल्स होते हैं उन्हें भी कवर करते चलेंगे। और प्रेशर जो है हम अपने स्टेप्स का जो है ऊपर की तरफ रखेंगे, फेस का जो ऊपर की तरफ हम स्टेप्स करते हैं उस तरीके से करेंगे, फोरहेड का, आईब्रो का, इस तरीके से सारे स्टेप्स करते हुए चलेंगे, और बहुत ही सॉफ्ट हाथों से करेंगे मसाज। सबके स्टेप्स अलग अलग होते हैं, बट मैं इसी तरीके से करती हूँ, इस तरीके से पूरा स्किन पूरे फेस को कवर करते हुए हम लोग स्टेप्स करेंगे। फेशियल करने से क्या होता है कि हमारा जो स्किन ग्लो करता है और जो हमारे फेस पर ड्राइनेस होती है, डार्कनेस होती है, उसको कवर करता है।
और जो ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं या फिर पिंपल्स वगैरह होते हैं वो स्क्रबिंग करने से हमारे ठीक हो जाते हैं। तो और जो निशान वगैरह होता है, ब्लेमिशेस होती हैं फेस पर या पिंपल्स के निशान वगैरह होते हैं, उन्हें बिल्कुल दो चार फेशियल करने से काफ़ी हमें फ़र्क दिखाई देता है कि हमारे जो फेशियल करने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और फेशियल हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पूरे फेस को इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम पूरे मसाज करेंगे और धीरे धीरे हाथों से मसाज करेंगे। फोरहेड पर जब हम मसाज करते हैं या फिर चिक्स पर करते हैं तो अपने फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, आईब्रोज का जब हम स्टेप करते हैं तो ऊपर की तरफ करेंगे, या फोरहेड पर हम लोग करेंगे तो राउंड राउंड में फिंगर्स को घुमाएंगे। और अंडर आइज के लिए इस तरीके से हम लोग प्रेशर करते हुए साइड की तरफ लेकर जाएंगे। नोज के वगैरह के सब चीज़ के स्टेप्स इस तरीके से धीरे धीरे सॉफ्ट हाथों से करते जाएंगे और प्रेशर हम हमेशा ऊपर की तरफ रखेंगे चिक्स का अपना। जब हम फेशियल करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है जो हमारा क्लाइंट होता है वो बिल्कुल रिलैक्स फील करे। रिलैक्स फील करता है तो उसे पूरा बेनिफिट मिलता है फेशियल करने का और अच्छा फील होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं या मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप लोगों ने मेरा चैनल देखा ही होगा, गायत्री ब्यूटी पार्लर के नाम से है दूसरा चैनल है, ये मेरा गायत्री मेकओवर के नाम से है। उस चैनल पर भी आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार किया, बहुत सपोर्ट किया है उसके लिए, और मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे इस चैनल के लिए भी इसी तरीके से सपोर्ट करें। उसके बाद हम लोग अपने जो स्टेप्स हैं फाइनल करते हुए पूरे फेस पर, जब हमारी क्रीम अंदर चली जाए फेस के, उसके बाद हम लोग इस तरीके से आइज़ को रिलैक्स करेंगे और राउंड राउंड में पूरे फेस को इस तरीके से राउंड करते हैं, फाइनल करेंगे अपने स्टेप्स को रिलैक्स करते हुए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्रीम अगर हमारे फेस पर बच जाती है उसके बाद हम लोग उसे स्पंज की हेल्प से इस तरीके से साफ कर देंगे हल्का सा। और उसके बाद हम लोग फेस पैक अप्लाई करेंगे जो कि हमारा फोर्थ स्टेप है। ये हमारा तैयार आता है इस पैकेट के अंदर, हमें इसे कोई तैयार नहीं करना होता। अगर हमें टाइट लगता है तो हम लोग इसमें रोज़ वाटर मिलाकर इसे VLCC का रोज़ वाटर या फिर नॉर्मल कोई भी उसे तैयार कर लेंगे पेस्ट की तरह और पूरे फेस पर अप्लाई कर देंगे। अगर टाइट लगता है तो हम मिक्स करेंगे, नहीं तो ऐसे ही अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम लोग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और जब वो सूख जाए तो उसे साफ़ करने के बाद देखिए हमारा फेस कितना ग्लोइंग कर रहा है, हमारी ब्राइड भी काफ़ी खुश है। उसके बाद हम लोग करेंगे ये जो हमारा फर्स्ट है फेशियल ऑयल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय फ्रेंड्स।